बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। मैं जावेद और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल जावेद टेलर मास्टर। दोस्तों, आज मैं आपको नया ही आसान डिज़ाइन बनाने का तरीका सिखाऊंगा, तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, और नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों, जो मैं इसके ऊपर बैन लगाऊँगा वो मेरे बैन की चौड़ाई 1.5 इंच है और लंबाई उसकी कस्टमर के हिसाब से मैंने 17 इंच रखी हुई है। इसी तरह इनकी दोनों साइडों पर बैन की जो दो साइडें होती हैं उनके मैंने 2 कट बनाने, 1/4 इंच लंबाई में होने। आपने सेम इसी तरह इसके कट बना लेने, और उसके बाद इसकी फ्रंट पट्टी जो मैंने लगानी वो 1.5 इंच है, वो सेम जितना बैन मैंने रखा इतनी फ्रंट पट्टी रखी है। तो पट्टी के मैंने अभी इसके कट पहले बना लेना है। ये 1.5 इंच चौड़ाई है तो मैं 1 इंच का इसका कट बना रहा हूँ। ये 1 इंच मैंने इसका कट बना लिया। तो काफ़ी दोस्तों रिक्वेस्ट होती है कि हमें कट बनाना सिखाना, तो ये कट बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। और दोस्तों, मेरी चैनल के ऊपर कटिंग और स्टिचिंग की काफ़ी वीडियो है, आप उनका विज़िट करें और इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। तो आपने इस तरह इसका सेम कट बना लेना है, और बैन के नीचे मैंने कंट्रास्ट पीस लगाना है। तो आपने इसका कंट्रास्ट पीस लगाना है, ये बैन के नीचे अंदर वाली साइड पे लगाना है। तो अभी पट्टी का जहां पे मैंने कट बनाया है वहां पे मैंने सिलाई लगानी, तो ऊपर ब्लैक धागा लगा के मैं उसकी सिलाई लगाऊंगा एक। इसके साथ मैंने अब दूसरी सिलाई लगानी। तो दोस्तों, सिलाई का खास ख्याल रखना है, सिलाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उसके बाद मैंने ये कार्ड से बनाने बुकरम के ये छोटे छोटे पीस बनाने, उनकी जो लेंथ है वो 1 इंच होनी चाहिए और 1 इंच लंबाई में और चौड़ाई में 1/2 इंच। तो आपने इसी तरह इसके ये बुकरम के पीस ब्लैक कपड़े के ऊपर प्रेस कर लेने। ये मैंने 3 बनाए, एक मैंने पट्टी के ऊपर लगाना है, 2 बैन के ऊपर। और फिर से मेरी नए देखने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। इसको भी मैं इसी तरह प्रेस कर लूँगा। दोस्तों, ये बहुत प्यारा डिज़ाइन है और बहुत कम टाइम में बनने वाला डिज़ाइन है। ये यहाँ पे मैंने ठोका बनाना है, उसके ऊपर इसको लगाना है। तो इसी तरह मैं इसकी जो जहाँ पे मैंने कट बनाया है वहाँ पे 1/2 इंच का मैं एक निशान लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सिलाई लगानी, एक सिलाई लगानी यहाँ पे, और दूसरी सिलाई मैंने 1.5 इंच का ये गैप लेके ये भी सिलाई लगानी। जिस तरह पट्टी के ऊपर मैंने सिलाई लगाई है सेम इसी तरह इधर भी सिलाई लगानी। तो अभी ब्लैक जो है ना वो मैंने फिरकी में कर दिया है, नीचे वाला नीचे से नज़र आएगा अब। तो इसके साथ दूसरी सिलाई भी मैंने लगानी। ये दोस्तों, मैंने 2 सिलाई लगा ली। तो अभी इसको इस साइड पे अंदर वाली साइड पे इसको एक एक गांठ लगाऊंगा। इसको आपने गांठ लाजमी लगानी है। ये अंदर वाली साइड पे एक एक गांठ लगाऊंगा इसको मैं।
तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने ये गैप रखा है, यहाँ पे मैंने ये ब्लैक पीस लगाने, पट्टी वाला जो पीस है वो थोड़ा सा बड़ा है और बैन के पीस छोटे हैं। ये सिलाई की मदद से आपने ऊपर इसके रख के लगा लेने हैं। सेम इसी तरह बैन के ऊपर भी लगाने हैं हमने। तो ये मैंने पट्टी के ऊपर लगा लिया है, तो अभी मैं बैन के ऊपर लगाने लगा। तो सेम इसी तरह दूसरा भी लगाना है। दोस्तों ये बहुत कम टाइम में बहुत प्यारा डिज़ाइन बनने वाला है। तो इसको अब मैं स्टिच कर लूँगा, साइडों पर सिलाई लगा लूँगा और बैन को तैयार कर लूँगा। तो इसी तरह मैंने पट्टी को तैयार किया है। तो जो मैंने इसकी ब्लैक कार सा लगाया है, इसके ऊपर अभी मैंने ये टांका लगाना है। एक इसी तरह बैन के ऊपर भी लगाऊँगा। तो दोस्तों बैन के ऊपर भी मैंने ये लगा लिया और पट्टी के ऊपर भी लगा लिया। दोस्तों इस तरह मैं स्टिच करके आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ही प्यारा लगेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और दोस्तों लाइक लाजमी करना है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।